आर डियर स्टूडेंट, अगेन मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू इन बायोलॉजी टॉप टेक चैनल। सो आर डियर स्टूडेंट, टुडे हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जो है डी फार्मा एग्जिट एग्जाम 2024 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फार्माकोलॉजी क्वेश्चन पेपर के बारे में, जो कि आपके पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड किए गए सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, जो कि आपके जो है एग्जिट एग्जाम 2024 में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्जिट एग्जाम 2024 में आने वाले हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग फार्माकोलॉजी 0.1 सीरीज को डिस्कस कर लिए थे, आज 0.2 सीरीज को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डैश इज द पाथ बाय व्हिच अ ड्रग इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द बॉडी, मतलब कि ऐसा कौन सा पाथ है या रास्ता है जिसके द्वारा हम जो है बॉडी में ड्रग को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रूट ऑफ ड्रग साइट, सेकेंड है रूट ऑफ ड्रग एक्शन, थर्ड ऑप्शन है रूट ऑफ ड्रग थेरेपी एंड लास्ट ऑप्शन है रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन इज द पाथ। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसा पाथ है जिसके द्वारा हम ड्रग को इंट्रोड्यूस मतलब कि प्रवेश करवाते हैं बॉडी में। अगला प्रश्न है, डैश इज द सेफेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल एंड कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, तो चारों ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि सेफेस्ट मतलब कि जो कि ड्रग के एडमिनिस्ट्रेशन करने की जो रूट है वह सेफेस्ट मोस्ट इकोनॉमिकल और कन्वीनियंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का रूट ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इंटेरियल रूट, सेकेंड है टॉपिकल रूट, थर्ड ऑप्शन है पेरेंट्रल रूट एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इंटेरियल रूट इज द सेफेस्ट। इंटेरियल रूट जो है सुरक्षित, मोस्ट इकोनॉमिकल, अधिक आर्थिक महत्व का एंड कॉन्वीनियंट रूट होता है किसका, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इंटेरियल रूट। अगला प्रश्न है, द मेन एडवांटेज ऑफ रूट आर दैट द पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्टर ड्रग एंड चांसेस ऑफ सिस्टेमिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे पूछा कि द मेन एडवांटेज ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन है ओरल, सेकेंड है रेक्टल, थर्ड ऑप्शन है बक्कल एंड लास्ट ऑप्शन है पेरेंटल। जब तक हम यहाँ पे ऑप्शन फिल नहीं करेंगे तब तक सेंटेंस जो है फुल्ली कंप्लीट नहीं बैठेगा। तो थर्ड का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला ओरल, जो यहाँ पे हो जाएगा द मेन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट मतलब कि ओरल रूट का जो मुख्य एडवांटेज होता है, लाभ होता है, वह यह है कि पेशेंट इज एबल टू सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, पेशेंट जो स्वयं मेडिसिन को एडमिनिस्टर कर सकता है ड्रग को बॉडी में एंड चांसेस ऑफ सिस्टमेटिक इन्फेक्शन आर रिड्यूस्ड। जो सिस्टमेटिक इन्फेक्शन संक्रमण के जो चांसेस है मतलब कि खतरे हैं वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन फर्स्ट जो करेक्ट ऑप्शन है ओरल रूट। अगला प्रश्न है, व्हिच वन इज एन एडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो यहाँ पूछा कि निम्न में से कौन एक ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज है, लाभ है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है समटाइम्स कंप्लीट ड्रग इज नॉट एब्जॉर्ब्ड, सेकेंड है इकोनॉमिकल, स्टीलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन है अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ ड्रग्स एंड लास्ट ऑप्शन है नॉट इफेक्टिव इन एमरजेंसीज। तो फोर्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, इकोनॉमिकल, स्टीलाइजेशन इज नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कि यहाँ पे जो ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसमें क्या होता है, या इकोनॉमिकल होता है और या इसमें जो स्टीलाइजेशन मतलब कि रोगाणु रहित करने की मेडिसिन को जो है स्टीलाइज करने की आवश्यकता नहीं होती, ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ ओरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो पूछा है कि जो ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसका कौन सा एक डिसएडवांटेज ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस चांसेस ऑफ एक्यूट ड्रग रिएक्शन, सेकेंड है फॉर ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंस इज नॉट रिक्वायर्ड, थर्ड ऑप्शन है ड्रग कुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमसिस के दौरान ड्रग को हम इंटर नहीं कर सकते बॉडी में, एंड लास्ट ऑप्शन है सेफ कॉन्वीनियंट एंड पेनलेस मेथड, मतलब कि यह जो सेफ कॉन्वीनियंट और पेनलेस मेथड होता है। तो पूछा कि डिसएडवांटेज कौन है, यहाँ पे लाभ नहीं हानि को पूछ रहा है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के, तो यही बताना है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी वाला हो जाएगा, ड्रग कुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड ड्यूरिंग एमसिस, मतलब कि हम इसमें जो है ड्रग को एमसिस के दौरान एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, यही क्या है ओरल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का एक डिसएडवांटेज है। अगला प्रश्न है, इन डैश द ड्रग इज कैप्ट विद इन द माउथ अराउंड द चीक्स और बक्कल कैविटी वेयर इट डिसइंटीग्रेट एंड एब्जॉर्ब्स, फर्स्ट ऑप्शन है बक्कल रूट, सेकेंड है रेक्टल रूट, थर्ड ऑप्शन है ओरल रूट एंड लास्ट ऑप्शन है टॉपिकल रूट। तो सिक्स का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो बक्कल रूट, इन बक्कल रूट, बक्कल रूट में ड्रग इज कैप्ट विद इन द माउथ, जो बक्कल रूट होता है उसमें हम ड्रग को माउथ में जो है माउथ के नीचे रखते हैं,
मतलब कि जैसे माउथ है तो यहाँ पे जो जा है, जीभ है, इसके नीचे हम रखेंगे द चीक और बक्कल कैविटी, मतलब कि माउथ के रखेंगे जो यहाँ पे इन बक्कल रूट द ड्रग इज केप्ट विद इन द माउथ, माउथ के अंदर हम ड्रग को बक्कल रूट में केप्ट करते हैं। द चीक्स और बक्कल कैविटी अथवा चीक्स और बक्कल कैविटी के लिए के मतलब नीचे वेयर इट डिसइंटीग्रेट एंड एब्जॉर्ब, जहाँ पर यह जो डिसइंटीग्रेट मतलब कि टूटता है कई पार्ट में और एब्जॉर्ब हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट होकर एब्जॉर्ब हो जाता है ब्लड में। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन एक जो है एडवांटेज लाभ है ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है स्मॉल डोजेज आर केप्ट इन माउथ, सेकेंड है फोर्सल सर्कुलेशन इज बाईपास्ड, थर्ड ऑप्शन है समटाइम्स इनकन्वीनियंट टू कीप ड्रग इन माउथ, एंड लास्ट ऑप्शन है ड्रग्स हैविंग हाई मॉलिकुलर वेट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब। तो सातवें का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, पोर्टल सर्कुलेशन इज बाईपास। जो पोर्टल सर्कुलेशन होता है बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में वह क्या होता है, बाईपास टाइप का होता है, यही जो है एक इसका एडवांटेज है। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो बक्कल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन एक डिसएडवांटेज है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है लेस चांसेस ऑफ इन्फेक्शन, सेकेंड ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड इजली, थर्ड ऑप्शन नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ हार्श जीआई एनवायरनमेंट, लास्ट ऑप्शन है अनप्लीजेंट डिस्टेस्टफुल इरिटेंट ड्रग्स कैन नॉट बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट। तो यहाँ पे डिसएडवांटेज पूछा है बक्कल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का, राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, अनप्लीजेंट डिस्टेस्टफुल इरिटेंट ड्रग को हम एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं इस रूट के थ्रू, यही जो है इसका क्या है डिसएडवांटेज है। अगला प्रश्न है द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोजिट्री थ्रू डैश व्हेन पेशेंट इज नॉट एबल टू टेक ड्रग ऑलरेडी और हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है रेक्टल रूट, सेकेंड है बक्कल रूट, थर्ड ऑप्शन है पेरेंटल रूट एंड लास्ट ऑप्शन है ओरल रूट, मतलब कि हम ड्रग को कब एडमिनिस्टर करते हैं सपोजिट्री के फॉर्म में और किस रूट के थ्रू, जब पेशेंट जो होता है वह एबल नहीं होता है क्या करने में, ड्रग को ओरली अथवा जो है ड्रग को ओरली मतलब माउथ से लेने में, अथवा उसके उनमें जो है रिस्ट्रिक्शन होता है उसको खाने पर, मतलब कोई जो है प्रॉब्लम होती है तो हम उसको सपोजिट्री के फॉर्म में कब देते हैं बताना है। तो यहाँ पे जो नाइन्थ का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा रेक्टल रूट। फिर से देखिएगा द ड्रग इज एडमिनिस्टर्ड इन द फॉर्म ऑफ सपोजिट्री, ड्रग को एडमिनिस्टर किया जाता है सपोजिट्री के फॉर्म में रेक्टल रूट के थ्रू कब, जब पेशेंट एबल नहीं होता है ड्रग को ओरली मतलब माउथ से खाने में और हैव रिस्ट्रिक्शन ऑन ईटिंग, और खाने पर उसे जो है कोई भी प्रॉब्लम होती है रिस्ट्रिक्शन होता है उसी वजह से उसको हम रेक्टल रूट से देते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो रेक्टल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन साइट है उसका कौन एक डिसएडवांटेज ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है यूजफुल व्हेन पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम नाजिया एंड वोमिटिंग, सेकेंड ऑप्शन है गैस्ट्रिक इरिटेंट ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड थ्रू दिस रूट, एंड लास्ट थर्ड ऑप्शन है इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, लास्ट ऑप्शन है बाईपास फर्स्ट फास्ट मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ सी वाला इरेगुलर एब्जॉर्प्शन, यही क्या होता है अगर हम ड्रग को रेक्टल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू देते हैं अपने द्वारा देते हैं तो जो इसका डिसएडवांटेज होता है वह इरेगुलर एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ पे ऑप्शन सी जो करेक्ट ऑप्शन है। अगला प्रश्न है डैश शो रैपिड इफेक्ट एंड मेंटेन लेवल ऑफ ड्रग इन सर्कुलेशन, तो ऐसा कौन सा रूट है जो कि शो करता है तेजी से इफेक्ट को मतलब तेजी से प्रभाव दिखाता है एंड मेंटेन करता है लेवल ऑफ ड्रग इन सर्कुलेशन, सर्कुलेशन में जो ड्रग का लेवल होता है स्तर होता है औषधि का दवाइयों का उसको मेंटेन करता है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ओरल रूट, सेकेंड है सब लिंगुअल रूट, थर्ड ऑप्शन है इंट्रावीनस रूट एंड लास्ट ऑप्शन है पेरेंटल रूट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, पेरेंटल रूट सो रैपिड इफेक्ट मतलब कि जो पेरेंटल रूट होता है वह तेजी से प्रभाव दिखाता है और मेंटेन करता है ड्रग के लेवल को अमाउंट को सर्कुलेशन में मतलब कि ब्लड में, ऑप्शन डी जो है राइट ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो कौन एक ऐसा है जो कि पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज लाभ ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है इन्फेक्शन में अकर, थर्ड ऑप्शन है टेक्निकल एंड ट्रेन पर्सन रिक्वायर्ड, लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेफ्टी लेवल इज वेरी लो। करेक्ट ऑप्शन होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, नो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, यही क्या है एक जो है
पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज है यहाँ पे दिए गए ऑप्शन में। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट गैस्ट्रिक मैनिपुलेशन, सेकेंड ऑप्शन है रिपीटेड इंजेक्शन नॉट सुइटेबल, थर्ड ऑप्शन है डिजायर्ड ब्लड कंसंट्रेशन एंड लास्ट ऑप्शन है 100% बायोअवेलेबिलिटी। तो पूछा है निम्न में से कौन एक जो है पेरेंटल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, पेरेंटल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का डिसएडवांटेज है, हानि ही बताना है। तो 13 का करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, रिपीटेड इंजेक्शन नॉट सुइटेबल, मतलब इसमें हम रिपीटेड इंजेक्शन नहीं दे सकते हैं पेरेंटल रूट के द्वारा, ये जो है सुइटेबल नहीं है। अगला प्रश्न है इन डैश रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक्वस प्रिपरेशन गेट्स एब्जॉर्ब रैपिडली। फर्स्ट ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर, सेकेंड है इनहेलेशन, थर्ड ऑप्शन है इंट्रावीनस एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसडर्मल। तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इंट्रामस्कुलर इन इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में हम एक्वस प्रिपरेशन को देने अगर हम देते हैं तो वह जो है एब्जॉर्ब नहीं होता है तेजी से, यही जो है ऐसे ड्रग्स जिन्हें हम जो है इंट्रामस्कुलर रूट के द्वारा देते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो वह क्या होता है तेजी से एब्जॉर्ब नहीं होते, यही जो है कहा गया है। यहाँ पे ऑप्शन जो है फर्स्ट वाला करेक्ट ऑप्शन है इंट्रामस्कुलर। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिसएडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन एक डिसएडवांटेज है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रिवेंट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है ओनली 10 ml ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, थर्ड ऑप्शन है वन सेट ऑफ एक्शन इज फास्ट एंड लास्ट ऑप्शन है यूनिफॉर्म एब्जॉर्प्शन। सो राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओनली 10 ml ड्रग कैन बी एडमिनिस्टर्ड, मतलब कि हम अगर इंट्रामस्कुलर रूट के थ्रू कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो उसके थ्रू हम सिर्फ 10 ml ड्रग ही एडमिनिस्टर कर सकते हैं। यही क्या है इसका एक जो है लाभ नहीं हानि है, मतलब कि अगर हम दोबारा देना चाहें 10 ml के बजाय 20 ml तो हम इतना जो है इतने अमाउंट में नहीं दे सकते, हम सिर्फ 10 ml से ही तक ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। अगला प्रश्न है व्हिच वन इज एन एडवांटेज ऑफ इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो कौन एक जो है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली 10 ml ड्रग में बी एडमिनिस्टर्ड, सेकेंड है नो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड फैक्टर्स, थर्ड ऑप्शन है एक्सपेंसिव एंड लास्ट ऑप्शन है लोकल पेन एब्सेस एंड इन्फेक्शन। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, नो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल रिलेटेड फैक्टर्स, मतलब इसमें किसी प्रकार का कोई GIT ट्रैक्ट रिलेटेड कोई भी फैक्टर्स या कारक प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्या होता है इसका एक एडवांटेज होता है इंट्रामस्कुलर रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का। अगला प्रश्न है रिस्क एसोसिएटेड विद IV रूट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग डैश रूट, मतलब कि ऐसे खतरे जो कि एसोसिएटेड से संबंधित है IV रूट मतलब कि इंट्रावीनस रूट के साथ, मतलब जो उससे रिलेटेड है, तो उन्हें हम कैसे रिड्यूस्ड कर सकते हैं किस रूट का उपयोग करके। फर्स्ट ऑप्शन है सबक्यूटेनियस, सेकेंड टॉपिकल, थर्ड ऑप्शन इंट्रामस्कुलर एंड लास्ट ऑप्शन है इंट्रावीनस। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, पे सब क्यूटानियस रूट का उपयोग करके हम जो है इंट्रावीनस रूट से संबंधित खतरे को जो है रिड्यूस्ड कर सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा सब क्यूटानियस। अगला प्रश्न है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सब क्यूटानियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सब क्यूटानियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन एक एडवांटेज ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इरिटेंट ड्रग काज टिश्यू डैमेज, इरिटेंट ड्रग जो होते हैं वह टिश्यू डैमेज को काज करते हैं, सेकेंड है पेनफुल, थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोज कैन बी इंजेक्टेड एंड लास्ट ऑप्शन है कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन। तो 18 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन, मतलब कि अगर हम इस इंट्रा जो सबक्यूटानियस रूट होता है उसे हम किसी भी ड्रग को एडमिनिस्टर कराते हैं तो उससे क्या होता है जो ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है वह स्लो होता है, क्या है इसका एडवांटेज है धीमे धीमे गति से होता है जिससे बॉडी में ड्रग जो सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ सब क्यूटानियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सब क्यूटानियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का कौन एक एडवांटेज लाभ ही बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है इरिटेंट ड्रग्स काज टिश्यू डैमेज, सेकेंड है पेनफुल, थर्ड ऑप्शन मैक्सिमम 2 ml ऑफ डोज कैन बी इंजेक्टेड, लास्ट ऑप्शन है कंप्लीट बट स्लो एब्जॉर्प्शन। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला, कंप्लीट, मतलब कि अगर हम इसके जो सबक्यूटेनियस रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम इस साइड से कोई ड्रग बॉडी में इंटर करवाते हैं तो
जो ड्रग होता है कंप्लीट रूप से जो है एब्जॉर्ब होता तो है, लेकिन उसका क्या एब्जॉर्प्शन जो होता है स्लो स्लो होता है, जिससे क्या होता है जो बॉडी है और जो मतलब ड्रग्स है वह बॉडी के सभी पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इसका क्या है एडवांटेज है। अगला प्रश्न है, सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट रिलेटेड टू ड्रग कैन बी मिनिमाइज इन डैश रूट। फर्स्ट ऑप्शन है टॉपिकल, सेकेंड इनहेलेशन, थर्ड ऑप्शन है रेक्टल एंड लास्ट ऑप्शन है ट्रांसडर्मल। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो इनहेलेशन होता है मतलब सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट रिलेटेड टू ड्रग्स कैन बी मिनिमाइज इन ड्रग्स से रिलेटेड किसी भी प्रकार का कोई भी सिस्टमेटिक साइड इफेक्ट जो होता है वह इनहेलेशन रूट में हम उसे मिनिमाइज कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है राइट ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न यहाँ पे, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जो ट्रांसडर्मल रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है इसका एक एडवांटेज क्या है बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नो हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है प्रीफर्ड फॉर हाईली लिपोफिलिक ड्रग्स एंड थर्ड ऑप्शन है रिलेटिवली स्लो ऑनसेट, लास्ट ऑप्शन है एक्सेसिव एब्जॉर्प्शन मे बी मे गिव इनफ्लेम्ड रफ एब्रेडेड और बर्निंग इफेक्ट ऑन स्किन। तो 22 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, जो ट्रांसडर्मल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का एडवांटेज लाभ यह है कि नो हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, मतलब कि जब हम ट्रांसडर्मल रूट के थ्रू कोई ड्रग एडमिनिस्टर करवाते हैं बॉडी में तो उस टाइम किसी भी प्रकार की कोई हिपेटिक फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अगला प्रश्न है, बाई द डैश रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लोकल टू सिस्टमेटिक इफेक्ट कैन बी ऑब्टेन। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांसडर्मल, सेकेंड बक्कल, थर्ड ऑप्शन है टॉपिकल एंड लास्ट ऑप्शन है पेरेंट्रल। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, जब हम टॉपिकल रूट के द्वारा ड्रग को इंटर करवाते हैं बॉडी में तो लोकल टू सिस्टमेटिक इफेक्ट कैन बी ऑप्टेंड, तो लोकल से लेकर सिस्टमेटिक इफेक्ट दोनों टाइप के इफेक्ट क्या होते हैं ऑप्टेंड होते हैं। अगला प्रश्न है, फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ एनी ड्रग इज स्टडीड अंडर इट्स। जो किसी भी प्रकार के किसी भी ड्रग का जो फार्माकोकाइनेटिक होता है उसको हम किसके अंडर स्टडीड करते हैं अध्ययन करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन डायरेक्शन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, सेकेंड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, थर्ड ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटामॉर्फोसिस एंड एक्सक्रीशन, लास्ट ऑप्शन है एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन एक्सर्शन। तो जो 22 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी वाला, जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ड्रग का, इसमें हम ड्रग मतलब जो फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी होता है किसी भी ड्रग का बॉडी में उसमें उसको हम इसके अंदर स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन के थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन, इन तीनों प्रोसेस को इसी के अंदर जो है हम स्टडी करते हैं, मतलब कि ड्रग का जो तीनों प्रोसेस होता है इन्हीं को कम्प्लीटली रूप से फार्माकोकाइनेटिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डैश इज डिफाइंड एज द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग एट रिसेप्टर साइट एंड द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिपरेशन। फर्स्ट ऑप्शन है मेटाबॉलिज्म, सेकेंड है हर्मेटिक, थर्ड ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूशन एंड लास्ट ऑप्शन है बायोअवेलेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन है हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी वाला, जो बायोअवेलेबिलिटी, देखिएगा फिर से सुनिएगा, बायोअवेलेबिलिटी इज डिफाइंड एज द बायोअवेलेबिलिटी को परिभाषित किया जाता है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द ड्रग, ड्रग के एब्जॉर्प्शन का जो एक्सटेंट होता है अमाउंट होता है एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द ड्रग एट रिसेप्टर साइट, और रिसेप्टर साइट पर ड्रग की जो अमाउंट की उपस्थिति होती है अवेलेबिलिटी होती है एंड द थेरापिटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रिपरेशन, और प्रिपरेशन के थेरापिटिक इफेक्टिवनेस को ही क्या कहा जाता है बायोअवेलेबिलिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे, डैश इज ऑल्सो नोन एज कॉर्पस्कुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट बिकॉज सेल मेम्ब्रेन इंगल्फ्स एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल बाई फॉर्मिंग अ वेसिकल और सैक्यूल व्हिच इज डिस्ट्रक्टेड बाई द एंजाइम्स प्रेजेंट विद इन द सेल एंड लाइसोजाइम लेटर ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है इंडोसाइटोसिस, सेकेंड है फैगोसाइटोसिस, थर्ड ऑप्शन है पिनोसाइटोसिस एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, इंडोसाइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज इंडोसाइटोसिस को सदैव कहा जाता है कार्पस्कुलर और वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट क्योंकि बिकॉज सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होता है वह इंगल्फ करता है एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल को जो है वेसिकल और सर्क्यूल का फॉर्मेशन करके, हुई चीज डिस्ट्रक्टेड बाय द एंजाइम, जो कि एंजाइम जो कि प्रेजेंट होता है कहाँ पर सेल में, जो कि सेल में एंजाइम जो प्रेजेंट होता है सेल के अंदर वो लाइसोजाइम नाम का, उसी के द्वारा क्या होता है उसी से उसी वही जो डिस्ट्रक्ट करता है मतलब कि डिस्ट्रॉय करता है उसी को।
नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, डैश इज अ कैरियर इमीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम दैट वर्क विद फास्टर रेट देन द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन। फर्स्ट ऑप्शन है पैसिव डिफ्यूजन, सेकेंड है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, थर्ड ऑप्शन है पोर्ट ट्रांसपोर्ट एंड लास्ट ऑप्शन है कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो 25 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है ये एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जो कि वर्क करता है तेजी से, वर्क विद फास्टर रेट देन द सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, जो कि सिंपल पैसिव डिफ्यूजन की तुलना में जो है तेजी से कार्य करता है, मतलब कि तेजी गति के दर से कार्य करता है। ऑप्शन बी जो करेक्ट ऑप्शन देगा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फॉर मोर वीडियोज एंड अपडेट सब्सक्राइब माई चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ।